मच डू वी नो अबाउट बैंकिंग ओम्बुड्समैन? ओम्बुड्समैन एक ऑफिशियल होता है, यूजली गवर्नमेंट द्वारा कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जब बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यूज में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम इनऑपरेटिव हो जाए तो आपको सिविल कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2006 में बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन में क्वासी जुडिशियल बॉडी क्रिएट की, जो की कस्टमर ग्रीवेंसेज की स्पीडी रिड्रेसल के लिए बनी। सभी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 के अंदर कवर्ड है। 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग ओम्बुड्समैन रिलेटिंग टू डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी स्कीम इशू की। यू कैन फाइल अ कंप्लेन बाय गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ आरबीआई और बाय ईमेल और इवन बाय पोस्ट। There is no fee for the same. Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Scheme for NBFC 2018 और Ombudsman Scheme for Digital Transaction 2019 इन सब को इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसे कहा गया है Integrated Ombudsman Scheme 2021। For more such legal updates, follow India Legal.